अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप सबको मेरे तरफ से और मेरे फैमिली की तरफ से ईद उल फितर बहुत 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 मुबारक हो। फर्स्ट टाइम ईद उल फितर इस्लामाबाद में मना रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, और जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि तैयार है और अब जाएंगे नमाज ईद पढ़ने। और जब नमाज़ पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या करते हैं, क्योंकि गांव का ईद अलग होता है, इस्लामाबाद का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाते हैं। स्टे विद मी। माशाल्लाह सारे बच्चे निकल आए, हुसैन भी जा रहा है और हसन भी है, वाजिद उमर, दानियाल और हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ जा रहे हैं। आ जाए बुजुर्ग, क्या बात है भाई, दरवाज़ा तो बंद कर ले, क्या हो रहा है। अच्छा तो ये बताइएगा, आज पहला ईद है आप लोग इस्लामाबाद में, तो मज़ा आ रहा है? इस तरह नहीं लग रहा कि जुम्मे की नमाज के लिए जा रहे हैं, ये ईद का नमाज है। ईद का नमाज हसन आपने पढ़ा है पहले कहाँ पे? गांव में। हुसैन आपको मजा आ रहा है? इनको नींद से उठाया है ना, अब ये कह रहे थे कि भाई हमें क्यों, हसन नींद आ रही थी। हाँ। ये कल रात गए था, ये इसने शॉपिंग की थी आप लोगों के लिए, बहुत सारी चीजें ली थी, तो आप लोगों को दे दिया उन्होंने आराम से गाड़ी को देख के। गांव में हम नमाज पढ़ते थे ईदगाह में, इधर हमने कहाँ पे पढ़नी पता है? मस्जिद में। तो ये सामने मस्जिद है, यहाँ पे हमने ईद पढ़ ली है, और ईद पढ़ने के बाद फिर देखते हैं कि बच्चों के साथ हम क्या क्या खाते हैं और क्या क्या मज़े करते हैं। पापा का तो डाइट रहा है पूरे महीने, और ईद के दिन हम डाइट को थोड़ा सा साइड पे करके खाना वाना खाएँगे, ठीक है? अब माशाल्लाह। तो नमाज पढ़ ली और लोगों से भी गले मिले, ईद मिले, अब जा रहे घर और घर में नाश्ता करेंगे। पूरी रात नहीं सोया हूँ क्योंकि अभी तक रूटीन वही है जो रमज़ान में रूटीन था, तो सोया नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट भी करूँगा और लोगों से भी मिलेंगे, ईद भी मिलेंगे। पापा तो पापा कम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो होते हैं ईद में, यहाँ पे हमारा पहला ईद है, तो हमें तो ऑब्वियसली वो जो गांव का माहौल होता है वहाँ पे हमारी बलिनी होती है, तो मैं तो काफ़ी मिस कर रहा हूँ। लेकिन ये था प्लान, तो काफ़ी अरसे से हमने बनाया था कि इस बार ईद हम इस्लामाबाद करेंगे सारी फैमिली मिलकर, तो ऑब्वियसली मैं तो यहाँ बैठा हूँ लेकिन मेरा दिल अभी भी वहाँ पर है, जितने भी मेरे भाई बालाबड़ खेला के जहाँ पर हम बलिनी करते हैं ना, और मेरे फॉलोअर्स हर साल आप लोगों वीडियोस देखते हैं जो हमारे वहाँ पे बड़े होते हैं छोटे होते हैं और उनके साथ हम गपशप लगाते हैं, और उसका एक अलग माहौल है, और वो जो मज़ा होता है तो वो ज़िंदगी में कहीं भी नहीं होता। आप इस्लामाबाद काफ़ी सालों से अकेले ईद मना रहे थे, इस बार सारे फैमिली आपके साथ ईद मना रही, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा। मैं नमाज पढ़ के जब आया घर तो बिल्कुल वो बड़खेरे वाला सीन लगा, घर में अम्मी था, अबू थे, फिर सारे बैठ के खाना खाया, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं 2 साल से यहाँ पे अकेला था, और अभी ये माशाल्लाह
इस साल ना आप सारे इधर हो तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो खानगुल तो इंजॉय कर रहे हैं और ऑब्वियसली दानियाल भी इंजॉय कर रहा है, ये तो टिकटॉक से ऊपर सर उठाता नहीं। अदनान भी इधर है, अदनान खान क्या हाल चाल है? अदनान की अम्मी कल गई है दुबई और छोटा भाई भी गया है, काका भी दुबई में है। क्या मैसेज देना चाहते हैं अदनान दुबई में, जो अम्मी अब्बू बहन भाई आपके सारे उधर है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मुझे अकेला छोड़ गया, वो सब चले गए। नहीं तो आप इधर खुश है कि नहीं है? हाँ खुश हो यार, खुश हो। हाँ लेकिन वो लोग चले गए। हाँ वो चले गए। तो अदनान इंशाल्लाह एग्जाम पूरा करके अदनान जल्दी वापस चला जाएगा। दानियाल जी, आप बताएं कैसा लग रहा है ईद का दिन? बहुत अच्छा लग रहा है। बटखेले में ज्यादा मजा था, यहाँ पे दोनों में बहुत अच्छा, उधर भी सुकून बहुत है। हाँ इधर सुकून है, बहुत वहाँ पे हल्ला गुल्ला है। तो मेरी तरफ से स्पेशली परदेश में रहने वालों को बहुत ईद की मुबारकबाद। और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ अपने भाइयों को, मौलाना मोहम्मद शकील जो हमारी ईद की दुआ पढ़ाते हैं, और छोटा भाई वकील खान, और साथ में जितने भी हमारे बड़े खानदादा, खानदादा के बाद शेरान, स्कुलदा, गुफरान लाला जी, और इतने हैं अगर मैं नाम गिनने पे आऊँ तो शायद पूरा दिन लग जाए। बाबू उसमें है, हमारे वकील साहब हैं, वकील साहब के अलावा हमारे अबीब उन्नबी साहब हैं, और हमारे इरशाद अंकल हैं, उसके बाद गनी अंकल है, बहुत सारे मेरे बड़े वहाँ पे हैं, और हम हर साल उनके साथ ईद मनाते हैं। आज का ईद अलग था, फैमिली के साथ था, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं। और जो मैंने कॉल की, वीडियो कॉल पे मैंने बात की सबसे, तो वो काफ़ी मिस कर रहे थे मुझे, और मैं भी उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ईद का एक छोटा सा व्लॉग था, आप लोगों के साथ शेयर किया। अब है, अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे ना, सोएंगे 1-2 घंटे, फिर उठेंगे इंशाल्लाह, फिर देखते हैं TKR 1-2-3 में क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो खुश रहे, आबाद रहे। अस्सलाम।